तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं दी कंट्री साइड के। दोस्तों, आज जो मेरी हालत है, सेहत है, वो ठीक नहीं है। मुंह में बहुत सारे छाले हो रखे हैं और थोड़ा सा बुखार भी है मेरे को। 3-4 दिन हो चले थे, सोच रहा था आज वीडियो डालूंगा, आज वीडियो डालूंगा, पर हो नहीं पाया। आज का जो वीडियो है वो सीरीज़ में आ रहा है। पहले आपने देखा हम सफ़र के दोनों पार्ट, फिर देखी पूर्वा एक्सप्रेस, और पूर्वा के बाद मैंने पकड़ी थी भाई स्वर्ण जयंती राजधानी, जो कि चलती नई दिल्ली और अहमदाबाद के बीच, और तब वो डीजल लोकोमोटिव के साथ चला करती थी। आजकल तो फुली एंड टू एंड जो है वो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव से चलती है। तो दोस्तों, इन ये जर्नी इन्जॉय करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छोटी सी जर्नी, और अपना विशेष कमेंट जो है इस वीडियो के लिए पक्का करना। वीडियो के एंड में मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा आपको। तो चलिए फिर बिना किसी वक्त गवाए करते हैं वीडियो को शुरू। और दोस्तों, बस यही उम्मीद है कि जल्दी ही हमारी जर्नी जो हैं वो ठीक से शुरू हो जाएंगी। आप कुछ ही देर में सारे के सारे जो भाई लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं टिकट विकेट बुक करने की। इस महीने के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट में सारे के सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो बाहर होंगे, जर्नी कर रहे होंगे, और होपफुली मैं भी शायद कर ही रहा हूँगा। तो आप ये वीडियो इन्जॉय करिए और कमेंट करना पक्का ना भूलिएगा, ठीक है? और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, देखो ये वीडियो घर बैठ के आराम से। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और आपका भाई आ गया आपके लिए एक और ब्लॉग लेके। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताना शुरू करूँ, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले जाइए और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लीजिए। ब्लॉग भी पहले ब्लॉग्स की तरह होने वाला है, ज़बरदस्त ब्लॉग। तो मिलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग से अंदर जाके स्टेशन पे। तो दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम नई दिल्ली, देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन में, और इस स्टेशन का कोड है NDLS। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली में टोटल 16 प्लेटफॉर्म है, और हमारी गाड़ी जाने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और दोस्तों, स्वर्ण जयंती राजधानी अहमदाबाद राजधानी रोज शाम को 7:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छूटती है, और दूसरे दिन अहमदाबाद पहुंचाती है सुबह 9:40 पर। टोटल डिस्टेंस जो कवर कर 935 किलोमीटर विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड विद एवरेज 68 किलोमीटर पर आवर। जिन लोगों ने हम सफ़र का पार्ट 1, हम सफ़र का पार्ट 2 पूर्व एक्सप्रेस देखी है, चैनल सब्सक्राइब की है, वीडियो लाइक किया है, उन लोगों को दिल से थैंक्स। उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियोज़ की तरह इस वीडियो को भी प्यार देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए, पूरा वीडियो देखें, और बार बार कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। हेलो गाइस, दिस मीन इतना यू आर वाचिंग द कंट्री साइड गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो। गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और आपके बाइक का जो कोच है वो है B5। तो जो अच्छी बात नहीं हुई वो ये है कि जो आपका बाइक का सीट मिला है वो मिला है अपर बर्थ। अहमदाबाद के लिए नई दिल्ली से, और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी में थर्ड एसी के जो डब्बे हैं वो है 11, और सेकंड एसी के 5 डब्बे हैं, और फर्स्ट क्लास एसी का 1 डब्बा है। थर्ड एसी की किराए की बात की जाए तो थर्ड एसी का किराया है 1785 रुपये, और सेकंड एसी का किराया है तकरीबन 2400 रुपया। जो फर्स्ट क्लास एसी है उसका किराया है तकरीबन 4000 रुपया। डायनेमिक गाड़ी या प्रीमियम गाड़ी पर किराया ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने अपने भाई ने थर्ड एसी में ट्रेवल करने के लिए इसका दिया है तकरीबन 2300 रुपया। निकल चुकी है अपने पहले स्ट्रेच की, और दिल्ली कैंट जिसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और यह टाइम लेगी 26 मिनट। तो दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम अहमदाबाद राजधानी स्वर्ण जयंती अहमदाबाद राजधानी के टॉयलेट में, इंडियन टॉयलेट में। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि ये इतना सिंक पानी भरपूर आ रहा है, और ये एकदम नीट एंड क्लीन टॉयलेट है। इसके अलावा शॉवर लगा हुआ है भाई, और फ्लश के लिए जगह दी गई है। फ्लश करेंगे तो पानी दूर आएगा, आप भी फ्लश जरूर करें। सोप दिया गया है यहाँ पे,
शॉक गिर रहा है, ये देख लीजिए, बाद में बात बोलिए दिखाया। और इसके बाद ये शॉक किट दिया गया है आपको शेव करने के लिए। तो स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस का जो टॉयलेट है वो बहुत ही साफ सुथरा है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। गाड़ी पहुंच चुकी है दिल्ली कैंट स्टेशन पे और यहाँ पे हम इसका मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। इस स्टेशन का जो कोड है वो है DEC। अभी तक गाड़ी ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है और इसके आगे वाला जो स्ट्रेच है वो है दिल्ली कैंट से लेकर गुड़गांव तक का और डिस्टेंस है 17 किलोमीटर, जिसको ये कवर करेगी मात्र 16 मिनट। गाँव पे और यहाँ पे स्टेशन का जो कोड है वो है GGN। यहाँ पे गाड़ी मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। इस शहर का नाम तो गुरुग्राम हो गया पर स्टेशन का नाम अभी गुड़गांव ही है। इसके बाद जो इसका अगला स्ट्रेच है वो है गुड़गांव से लेके जयपुर जंक्शन तक का और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके गुड़गांव जयपुर तक कवर करने वाली है 270 किलोमीटर और टाइम लगेगी 3 घंटे और 40 मिनट। जयपुर पहुँचाने का टाइम है 12:20 का। दोस्तों केटरिंग चल रही है, केटरिंग सर्विस चल रही है और खाना सबको बांटा जा रहा है। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एक चीज, ये देखिए भाई हॉट केस, यहाँ पे खाना हमेशा गर्म रहता है। तो दोस्तों गुड़गांव स्टेशन निकलने के बाद मैं बैठ गया था अपनी सीट पे जाके और आप देख सकते हैं कि मेरी अपर सीट है और मेरा सर देखिए कैसे जो रूफ है उसके साथ टच हो रहा है, तो जो हेडरूम है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है अपर सीट वालों के साथ, तो रेलवे वालों को इसके बारे में जरूर कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल पे क्या टाइम हुआ है और हमें अभी पानी सर्व हुआ है, उसके साथ एक सर्व हुआ है खाना। दोस्तों हॉट केस का खाना है तो गर्म तो होगा ही। तो ये देख सकते हैं आप चावल हैं, सबसे पहले ये 100 ग्राम चावल जीरा वाले और अच्छे लग रहे हैं और साथ ही ये है जी चीज़ की सब्जी जो बहुत ही गाढ़ी और स्वादिष्ट लग रही है। इसके बाद मैंने इसमें पेपर फेंका था तो ये और भी स्वादिष्ट हो गई है। इसके साथ है जी दाल, चने वाली दाल बहुत अच्छी और घनी हुई है, स्वादिष्ट लग रही है। उसके साथ है सूखी सब्जी, जी हाँ मिक्स वेज की सब्जी, आप देख सकते हैं मल्टीपल वेजिटेबल्स है इसमें। साथ ही साथ हैं 3 चपाती, 1, 2 और 3, घर के चपाती ऐसे लग रहे हैं, घी लगा हुआ साथ में। और इसके साथ ही मिला है जी मदर्स डेयरी का क्लासिकल दही, सिंपली डिलीशियस। तो देखते हैं खाना खा के फिर आपको रिव्यू देते हैं और इसके बारे में पक्का बताऊँगा आपको कि खाना मेरे को कैसा लगा। दोस्तों ये है डबल डेकर सराय रोहिला जयपुर जो डेली शाम को सराय रोहिला से चलती है और यहाँ पे तकरीबन 11 बजे पहुँचाती है। इसका ब्लॉग मेरे को करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, बहुत बार सोचा इसका ब्लॉग करने के लिए पर टाइम सेट नहीं हो पाया दोस्तों, बट आई प्रॉमिस यू कि इसका ब्लॉग मैं पक्का जल्दी ही लेके आऊँगा। दोस्तों अभी गाड़ी चलने में पूरे
10 मिनट बाकी हैं, तो इसी के साथ मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ खाना आज हमें कैसा मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज तक मैंने जितनी प्रीमियम गाड़ियाँ की आज मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना सबसे अच्छा खाना। कि हाँ आज मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगा, द बेस्ट 10 out of 10 मार्क्स। सब्जी सूखी भी मिली, दाल भी मिली और चीज़ की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी मिली। उसके अलावा चावल और उनके जो चपाती थी वो ऐसे लगा जैसे मम्मी ने घर पे बैठ के बनाई हुई है, वो भी घी से लगा के दी। तो खाना उसके बाद दही भी दिया और खाने के बाद अमूल की आइसक्रीम भी सर, मेरे एक्सपीरियंस आज तक का खाया हुआ सबसे बढ़िया खाना मैंने आज सर जयंती राजधानी अहमदाबाद में खाया। बस गाड़ी निकल चुकी है जयपुर जंक्शन से। अभी मैं आपसे कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके सुबह मिलने की, सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट। दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है आबू रोड और यहां पे तक अभी तक गाड़ी ने कवर कर लिया 748 किलोमीटर। इस स्टेशन का जो कोड है वो है ABD और यहाँ पे जो गाड़ी का स्टॉप है वो है मात्र 5 मिनट का। दोस्तों जिस तरह से इस गाड़ी का नाम रखा गया है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब देश 50वीं अपनी एनिवर्सरी मना रहा था आज़ादी की, तभी ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसलिए तो 50वीं एनिवर्सरी पे इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसको बोला जाता है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। गाड़ी निकल चुकी है आबू रोड से और यहाँ से लेके अब जो अगला स्ट्रेच है वो है पालनपुर जंक्शन तक का, और इन दोनों स्टेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 53 किलोमीटर्स। और गाड़ी पालनपुर जंक्शन तक पहुँचाने के लिए जो टाइम लेगी वो है 1 घंटा और 2 मिनट, मतलब 62 मिनट्स। और शायद इसी दौरान हमें ब्रेकफास्ट भी सर्व किया गया था। हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक कटलेट का और पोहे का। मुझे पोहा पसंद था तो इसलिए मैंने पोहा ऑर्डर किया हुआ है। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा रहता है। The train is about to reach Palanpur station and it will stop here for 2 minutes. दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है पालनपुर जंक्शन। यहाँ पे इस गाड़ी का स्टॉपेज है मात्र 2 मिनट का, 7:10 पे यहाँ पे पहुँचती है और 7:12 पे यहाँ से निकल जाती है। इस स्टेशन का जो कोड है वो है PNU। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी पालनपुर जंक्शन से निकल चुकी है और बढ़ रही है अपने नेक्स्ट स्टेज की ओर जो है महेसरा जंक्शन। पालनपुर जंक्शन से लेकर महेसरा जंक्शन तक जो डिस्टेंस है वो है 65 किलोमीटर, जिसको ये कवर करेगी 49 मिनट्स में। अभी आप खाली YouTube कंपनी स्टार्ट होगी। महेसाना जंक्शन आने वाला, इसी दौरान हमें सर्व किया गया ब्रेकफास्ट एंड आई विल शो यू व्हाट इज देयर इन द ब्रेकफास्ट इन स्वर्ण जयंती राजधानी अहमदाबाद एक्सप्रेस। दोस्तों पहले आप देख सकते हैं टी किट जिसको मैंने फाड़ लिया है और आपको दिखा दूं, ये है चाय का सैशे जिसको मैं अभी पानी में डाल दूंगा गर्म पानी। और ये मग भी देख सकते हैं जिसमें मैंने पानी निकाल के कप में डाल लिया था। और ये नोवा का दूध मिला है, डेयरी क्रीमर, और साथ ही मिला ये चीनी, ये सारा टिकट में था। और वेरका का मक्खन मेरे को पहली बार खाने को मिला, इसके पहले हमेशा अमूल का ही मिला। और साथ ही साथ मिला है जी बोन का ब्राउन
हाई फाइबर ब्रेड जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखते हैं अभी इसको ब्रेड के साथ मक्खन लगा के। साथ ही मेरी डेलीशियस चीज़, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ पोहा मिली है। दो ऑप्शन थे, कटलेट और पोहा का, मैंने पोहा चूज़ किया। तो ये रहा दोस्तों वो समय जब मैंने इसके ऊपर मक्खन लगाया और अच्छी तरह से लगा के खाया, और साथ ही साथ मैं शब्द सुन रहा था, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने ये सारा कुछ। अभी अभी आपने देखा महेसाना जंक्शन का अराइवल, और डोर्स के पास बहुत सारी भीड़ हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ से चले जा चुके हैं और मोस्टली लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहीं से मैं आपको बता दूँ कि महेसाना जंक्शन का जो कोड है वो है MSH, और यहाँ तक गाड़ी ने कम्प्लीट कर लिया 866 किलोमीटर। कैसे इतने किलोमीटर्स निकल गए पता ही नहीं चला कुछ। और यहाँ पर जो गाड़ी का स्टॉप है वो है मात्र 2 मिनट का। महेसाना जंक्शन से निकल के अभी गाड़ी आगे बढ़ रही है साबरमती जंक्शन की ओर, और दोनों स्टेशनों के बीच जो अंतर था वो था 63 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अहमदाबाद से पहले वाले स्टेशन साबरमती बीजी जंक्शन पे, और यहाँ पे जो गाड़ी का स्टॉप है वो मात्र 2 मिनट का है। इस स्टेशन का जो कोड है वो है SBIB, और यहाँ तक गाड़ी ने कवर कर लिया है 929 किलोमीटर। इसके आगे वाला जो स्टेशन है वो है इस गाड़ी का डेस्टिनेशन स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन, और वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है मात्र 6 किलोमीटर का। साबरमती स्टेशन पे ट्रेन के पहुंचाने का जो टाइम था वो था 9 बजे, और ट्रेन ने पहुंचाया भी। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट था, और यहाँ से चलने का टाइम था 9:02 पे। इसके बाद जो 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये गाड़ी कवर करती है 38 मिनट में, और पता नहीं क्यों यहाँ पे 20 मिनट गाड़ी खड़ी करके रखी हुई थी। अभी गाड़ी यहाँ पे चली है 9:22 पे, और अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है। दोस्तों बताइए फिर कैसा लगा सफ़र,
गाड़ी पहुंच चुकी है अहमदाबाद जंक्शन और यहां पे गाड़ी टर्मिनेट होगी। जो टोटल डिस्टेंस नई दिल्ली से लेके अहमदाबाद जंक्शन तक इस गाड़ी ने कवर किया है वो है 934 किलोमीटर। इस स्टेशन का जो कोड है वो है ADI और ये बहुत बड़ा स्टेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन इन इंडिया। और यहाँ पे पूरे देश से गाड़ियाँ आती और जाती हैं। इस गाड़ी को नई दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक लाया है वो है साबरमती शेड का WDM 3DA जो कि क्षमता रखता है 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गाड़ी को खींचने की। मैं आ चुका हूँ अभी वेटिंग रूम में, अहमदाबाद स्टेशन पे ही हूँ अभी, तो टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा सा और अच्छा लगा तो शेयर कर दो, थोड़ा सा और अच्छा लगा तो कमेंट कर दो। जब आप सब्सक्राइब करते हो भाई तो बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो गाइज़ अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।